अस्सलामुअलैकुम। ये हमारे तला बैठे हैं, उधर कुलसुम बैठी हैं, वो मीटिंग में एक यहाँ पर माज बैठते हैं, वो किसी मीटिंग में होंगे, ऐसे वाले बैठते हैं, वो भी किसी मीटिंग में। ये मेरी सीट है, थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें पड़ी हैं यहाँ पर, लेकिन उसकी वजह वही है कि मुझे मेरा पैक फट रहा है यहाँ पर, मुझे सिलवाना है, कोई मछली में घायल हो गए तो इसको डब्बी ऊपर रखा हुआ है, इसको नीचे रखता हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने, और रास्ते में आपको कुछ चीज़ें बताएंगे, ठीक है, जो इस्तांबुल में होती हैं। ठीक, अभी ये हमारा छोटा सा ऑफिस है, इसको करेंगे। दूसरा तो ऑफिस भी दिखा रहे थे जो हम लोगों ने लिया। यह है दूसरा ऑफिस, ये हमारे बॉयज बैठे हैं, एसईओ इंजीनियर, और ये फ्रंट एंड इंजीनियर, और यहाँ से इनकी शायद तबीयत खराब है। ओके, आमीन भाई इस पे काम कर रहे हैं आजकल, नाइस। ये है यहाँ से व्यू, आपको ट्रैफिक भी दिखा देते हैं, अभी हम लोग इसी रास्ते से जाएंगे। घूमने वाले सात दिन गए होंगे, लेकिन देख लेते, दुआ करेंगे घूम लेंगे, इसलिए कुछ कोई फुटेज वोटेज बना लेते हैं, ताकि यू नो व्यूवर्स इंतजार कर रहे हैं। प्रो हम लोग घूमने जाएंगे और ये लोग काम कर रहे होंगे इस वीकेंड पे, प्रिंसेस आइलैंड। इट हर्ट्स बट बुयुक बुयुक आधा आधा, मुझे एक बंदे ने बोला कि बुयुक आधा मतलब के बिग बिग आइलैंड, हाँ आधा जो अदा, एक सबसे बड़ा है उसको कहते हैं बुयुक आधा। ठीक है, चले लाफ्स, ये दूसरा ऑफिस दिखा दिया, बाकी का मुझे पता नहीं कहाँ पे, तो अब चलते हैं नमाज के लिए। ये मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, यहाँ पर एक अच्छी चीज़ डाली होती है, ये स्विच बोर्ड, छोटे छोटे स्विच हैं जिनको बोर्ड पे लगा दिए, तो आप इनको खोल के बंद करके कुछ भी पिक्सल से लिख सकते हैं। तो शायद हमारे लड़कों के पास थोड़ा टाइम था, उन्होंने इस सीट का लोगो बना दिए, और ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, तो अच्छी चीज़ है, बहुत यूनिक सी कोई चीज़ लगी मुझे, तो इट इज़ वर्थ मेंशनिंग आई गेस। तो ऐसे नाश्ते से बन जाते हैं हम भी, बैठता काफी। ये हमारे एचआर बॉयज, एचआर वाले बॉयज बैठ कर काम कर रहे हैं। ये हमारे इंजीनियरिंग वाले बॉयज किधर जा रहे हैं? नमाज पढ़ने आए हैं।
अच्छा यहाँ पर ज़्यादातर ऑफिस की जब छुट्टियाँ होती है, छुट्टी होती है तकरीबन 5 से 8 बजे तक, बहुत रश होता है गाड़ियों का, तो इसलिए मेट्रो से सफ़र करना थोड़ा बेहतर रहता है, आप जल्दी पहुँच जाते हो जगह पर। मैं पाकिस्तान से हूँ और पाकिस्तान में ये चीज़ कॉमन है कि हम लोग क्या इतना ज़्यादा कोई मोज़े नहीं पहनता, ख़ास तौर पर मस्जिदों में। तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली लिखा होता है उन्होंने कि आप नंगे पाँव नहीं घूमें मस्जिद में और मोज़े पहने हुए हों, और जूते जहाँ पर नमाज़ पढ़ होते हैं वहीं तक आप जूतों में जाओगे, कोई नंगे पैर नहीं जाएगा। तो इस तरह स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं, और अगर आप उन पे नहीं चल रहे होते तो लोग यहाँ पर आपको लाइक थोड़ा सा देखते हैं कि भाई ये नहीं करो वो नहीं करो। हम लोग अभी सामने जो मस्जिद का मीनार दिख रहा है वहाँ जाएंगे और वहाँ के सीन दिखाएंगे। तकरीबन इस्तांबुल में तो मैंने बहुत सारी मस्जिदों के आर्किटेक्चर और डिज़ाइन सिमिलर सा होता है, लेकिन मैंने कुछ ही देखी है तो मैं सबका नहीं बोल सकता, हो सकता है अलग हूँ। बहुत आसानी से मस्जिदें मिल जाती हैं। हम लोग ज़्यादातर पाकिस्तान में वज़ू की जगह पे चप्पलें लेके नहीं आते, लाइक जहाँ पर वज़ू कर रहे होते हैं पैर उतार के जा रहे होते हैं चप्पलें, यहाँ पर ऐसा है कि आप जहाँ तक वज़ू करने जाओगे तो जूते पहन के जाओगे या चप्पलें जो भी, और वहीं से फिर वज़ू करके जूते चप्पलें पहन के वापस आप नमाज की जगह तक जाओगे और वहाँ पर उतारोगे। आपको मोज़े पहनने हैं, गीले पाँव लेके नहीं आने, और अभी जैसे मैं दिखाऊंगा वो उन्होंने जूते पहनने के लिए एक वो लोहे का पता नहीं क्या कहलाता है जिससे जूते पहन लेते हैं बगैर तस्मे खोले, वो भी रखा हुआ है। तो अभी दिखा देते हैं आपको, लेकिन मैं खाली मुझे तो अच्छी लगी हैं चीज़ें। एक बार ऐसा हुआ था कि हमारे टीम मेंबर थे, उन्होंने अपना गीला पाँव रख दिया था जहाँ पर चप्पलें होती हैं वहाँ पर, एक बंदा वहीं पर ही खड़ा था, उसने टोक दिया, उसने बोला आप जाओ वापस वजू करके, वो फिर जब उस बंदे ने बोला तो जाके करके आया। तो इन चीज़ों में थोड़े से स्ट्रिक हैं, तो ये रही मेरे ये वर्कशॉप है अंदर अंडरग्राउंड। ये मस्जिद है जहाँ पर हम लोग नमाज पढ़ने आते हैं ऑफिस से। ये वजू खाना है और मैं यहाँ पर देखें चप्पलें पहन के आया हूँ, तो यहाँ पर उतारेंगे जूते, वजू करेंगे, वापस से पहनेंगे जूते, वहाँ जाएंगे उतारेंगे, नमाज पढ़ेंगे, वापस से पहनेंगे, फिर जाएंगे, और मोज़े पहनना लाजमी है। चलिए तो वजू करते हैं। ये रही मस्जिद। शायद बच्चे पढ़ने को
ये देखें यहाँ पर तकरीबन सारे शूज़ ही रखे हुए, और ये लिखा है कि गीले मोज़े और गीले शूज़ और मोज़ों के बगैर इतनी एंटर हो, मोबाइल बंद रखें, और जो कवर है ये दरवाज़े हल्के से बंद करें। मैं दिखा देता हूँ आपको, पता नहीं दिख रहा है नहीं, लेकिन आप इसको भी कर सकते हैं, जूम कर लेंगे पोस्ट प्रोडक्शन में। अगर ये मस्जिद के साथ ही एक चाय की दुकान है, और लाइक छोटी सी खाने पीने की है, और यहाँ पर बैठने की भी जगह है। और ये अंगूर लगे हुए, पता नहीं आप लोग को दिख पा रहा है गोप्रो में नहीं, लेकिन लाइक अच्छी बड़ी जगह है जिस पे कुर्सियाँ लगी हुई हैं मस्जिद के साथ ही, और खुली मस्जिद है। आप नीचे का देख सकते हैं, अब जा चल के एक चाय पीते हैं। तो चाय पी ली हमने, और अब हम जा रहे हैं ऑफिस वापस। ये 2 लीरा की है यहाँ पर चाय। अच्छा, आज हम एक दूसरी मस्जिद में आए हुए। ये है इसका ऐसा कुछ सीन्स, और जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ पर मस्जिदों में ज़्यादातर ये होता है, जूते पहने तो ठीक है। तो ये इधर होता है ज़्यादातर मस्जिदों में, और यहाँ पहन के दिखाएंगे आपको। लेंगे